वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास ब्लूटूथ हेडफोन आया है रिपेयरिंग करने के लिए। तो गाइस ये ब्लूटूथ हेडफोन में जो है इसका दोनों स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लूटूथ पूरी तरीके से चालू है पर इसमें ये दोनों वायर ख़राब है। तो इसे किस तरह रिपेयरिंग करना है चलो आज इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस इसे पहले ओपन कर लेते हैं और ओपन करके गाइस जो है इसका जो वायर होता है गाइस ये कोने से जो है ख़राब हो जाता है जिसके कारण गाइस ये जो स्पीकर बंद हो जाता है। तो यहाँ से इसे वायर को कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद गाइस आपको जो है ये जो पुराना वायर इसके अंदर लगा हुआ है इसे खींच के निकाल लेना है। और गाइस इसका जो जहाँ से वायर आने का जगह रहता है वहाँ पे पीवीसी वायर का वहीं पे अभी रह गया है। तो देख सकते हो वायर यहाँ से डैमेज होता है ये। तो आपको वायर ऐसा हल्का सा कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद जो गाइस पीवीसी इसके अंदर पहले से फंसा हुआ है उसे अच्छी तरीके से निकालना होगा। तो यहाँ पे गाइस किसी कारीगर ने हल्का सा यहाँ पे फेविक्विक गिरा दिया था, ज़्यादा गिरा दिया था, यहाँ पे हल्का सा गिराना था लेकिन ये ज़्यादा गिरा दिया था जिसके कारण ये पीवीसी काफ़ी मजबूत हो गया है। तो इसे अच्छी तरीके से आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल लेता हूँ क्योंकि गाइस कभी भी अगर आप लोग ब्लूटूथ हेडफोन रिपेयरिंग करते हो तो आपको हल्का सा खाली जो है वहाँ पे फेविक्विक लगाना है, इतना ज़्यादा नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे कुछ ज़्यादा फेविक्विक लगा हुआ था जिसे गैप बनाने में वायर डालने के लिए काफ़ी दिक्कत हुई लेकिन ये पूरी तरीके से मैंने इसे क्लीन कर लिया हूँ। अभी जो है इसके अंदर वायर डालूँगा और वायर डाल के गाइस जो है हमें इसे जिस तरह वायर आपने यहाँ से रिमूव किया था जिस जगह से आपको वहाँ से वहीं पे इसे ज्वाइन करना है तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को किस तरह ज्वाइन करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। कभी भी गाइस अगर आप लोग पास ब्लूटूथ जो ख़राब आता है तो आपको गाइस बस कुछ करना नहीं है, वहाँ से 2 इंच वायर को कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद गाइस आपको वापस से रीसोल्डिंग कर देना है तो ये जो प्रॉब्लम होएगा आपका ब्लूटूथ का बंद जो रहेगा वो 100% चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैं इसे पहले अच्छी तरीके से जो है क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि जो ये हेडफोन के वायर होते हैं उस पर कार्बन लगे हुए रहते हैं तो उसे आपको अच्छी तरीके से शोल्डर से छुड़ाना होगा। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरीके से दोनों वायर को छुड़ा लिया हूँ और अभी जो है इसे अच्छी तरीके से जो है फिटिंग कर लेता हूँ। और फिटिंग करने वक्त में गाइस एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब ये दोनों वायर को एक दूसरे से आप अटैच करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको हल्का सा सोल्डरिंग कर देना है। सोल्डरिंग करने से ये रहता है कि ये काफ़ी मजबूत रहेगा और आपका वायर जो है जल्दी ख़राब वहाँ से नहीं होएगा। तो यहाँ पे जो है मैं इसे अच्छी तरीके से दोनों को जॉइंट कर लेता हूँ और जॉइंट करके गाइस इसे सोल्डरिंग कर लूँगा और सोल्डरिंग करने के बाद जो है गाइस इसे टेप मारूँगा। तो यहाँ पर मैं इसे सोल्डरिंग कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पीवीसी जो इसका था वो पहले से निकाल लिया था तो यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों वायर को अच्छी तरीके से अलग अलग आपको सोल्डरिंग कर देना है जहाँ से आपने कटिंग किया था। और कटिंग करने के बाद गाइस जो है ये सोल्डरिंग करने के बाद आपको जो है उसे अच्छी तरीके से वहाँ पे टेपिंग कर देना है तो आपका ये जो प्रॉब्लम होगी ये 100% सॉल्व हो जाएगा। कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास ब्लूटूथ के ऐसे प्रॉब्लम के जो आते हैं, ब्लूटूथ चालू है और दोनों स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं 2 इंच वायर को कटिंग करना है और कटिंग करने के बाद उसे वापस से सोल्डिंग कर देना है और ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने इसे सोल्डिंग कर लिया हूँ, अभी ये टेप से जो है इसे अलग अलग वायर को अच्छी तरीके से टेप मार देंगे क्योंकि ये गाइस खिंचाएगा तो ख़राब हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो इसलिए टेप मारने से क्या अच्छा मजबूत रहेगा और ये हमारा कहीं टच नहीं होगा ना जल्दी ये बंद होएगा। तो वापस गाइस जिस तरह आपने इस ब्लूटूथ को खोला था वैसी तरीके से आपको इसे फिटिंग कर देना है। और गाइस यहाँ पे मैं गांठ इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि ये वायर काफ़ी छोटा हो जाएगा तो जो हेडफोन मतलब मज़ा नहीं आएगा ये इसे यूज करने में। तो बस गाइस आपको हल्का सा जो है वायर के पास यहाँ पर फेविक्विक लगा देना है, खाली हल्का सा थोड़ा सा, नहीं तो गाइस जिस तरह इस वायर को निकालने में इतनी दिक्कत हुई थी उस तरह वापस ये दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हल्का सा आपको गिरा देना है एक बूंद, ये वायर परफेक्ट अपनी जगह पे जाके चिपक जाएगा। और इसे ढक्कन को लगा लेते हैं और ढक्कन लगा के इसे चेक करूँगा कि ये हमारा जो प्रॉब्लम था बंद था ये कंप्लीट चालू हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसे जो है
पहले कान में लगा लेता हूँ और चालू करके चेक करके देखता हूँ। तो यहाँ पे जो गाइस इसे मैं चालू कर लिया, ये 100% वर्क कर रहा है, ये पूरी तरीके से ओके है। तो अभी ये जो हमारा कंप्लीट हो गया, और अभी ये दूसरे तरफ वाले को भी अच्छी तरीके से यहाँ से खोल लेते हैं। इसे खोलना काफ़ी ईजी होता है, आपको चक्कू या कोई नोकीले चीज़ से हल्का हल्का सा यहाँ पे प्रेस कर देना है और ये ढक्कन खुल जाएगा। तो यहाँ पे ब्लूटूथ को पहले बंद कर लेते हैं, नहीं तो ये शॉर्टिंग हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे हमारा लगा हुआ बैटरी है। तो यहाँ पे इसे भी यहाँ से हल्का सा कटिंग कर लेता हूँ, और कटिंग करके गाइस इसे भी सेम जिस तरह मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसे कटिंग करने के बाद आपको वायर को अच्छी तरीके से वहाँ से छील के निकाल लेना है। और पीवीसी देख सकते हैं इसमें अभी भी फंसा हुआ है, तो मैं यहाँ से वायर कटिंग कर लिया हूँ। अभी ये पीवीसी को अच्छी तरीके से आपको किसी नोकीले चीज़ से निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं ये चिमटी से निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद गाइस इसे वापस को वायर यहीं पे लगाना है मुझे। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है ये रबड़ को निकालने में भी पीवीसी को, तो गाइस आप अपने हिसाब से निकाल लें। यहाँ पे कोई ज़्यादा जाड़े चीज़ का भी यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ये जो पीवीसी हमारा है फट जाएगा। तो गाइस ये अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे गैप बना लिया है, और अभी जो वायर को अच्छी तरीके से उस तरफ पास कर लेते हैं। और पास करने के बाद गाइस इसे वापस से उसी स्टेप में इसे सोल्डरिंग करना है जिस स्टेप में मैंने आप लोग को पहले एक बना के दिखाया, जिसे मैं वो अभी मेरा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो है गाइस मैं वायर को निकाल लिया हूँ, अभी ये वायर को छील लेता हूँ और इसे अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर लूँगा। तो इसे यहाँ से खींच के निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें जो है पीवीसी को जो हमारे हेडफोन पर कार्बन लगा रहता है उसे अच्छी तरीके से सोल्डर से ही निकालेंगे। तो इसे निकालना काफ़ी जो था, बस गाइस आपको हल्का सा सोल्डर उस पर प्रेस करके रखना है, और हल्का हल्के हाथ से जो है आपको उस कार्बन को निकाल देना है। तो यहाँ पे मैंने कार्बन को निकाल लिया है, अभी सेम इसे अच्छी तरीके से कलर वाइज कलर देख के आपको लगा देना है। कलर वाइज इसमें प्लस माइनस ऐसा कुछ रहता नहीं है गाइस, आप कोई भी वायर किधर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरीके से घुमा लेता हूँ, और घुमा के इसे भी सोल्डरिंग करूँगा। सोल्डरिंग करने से ये रहेगा कि ये मजबूत रहेगा, हिले वगैरह आएगा नहीं, तो गाइस ये स्पीकर फटने लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पे सेम देख सकते हो मैंने जिस तरह उसको किया था, सेम पोजीशन पे इसको भी करके रीसोल्डिंग कर देता हूँ। यहाँ पे रीसोल्डिंग करने से गाइस ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जल्दी ख़राब नहीं होएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसे सोल्डरिंग भी करना काफ़ी ईजी होता है, आपको पेस्ट लगा देना है, और वायर का कार्बन मतलब जो हेडफोन का वायर है उसका कार्बन निकाल देना है, आपको सोल्डर से अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर लेना है। और यहाँ पे गाइस इसे अच्छी तरीके से अलग अलग करके आपको वापस यहाँ पे टेप मार देना है, और टेप मार के गाइस आपको चेक करना है ये जो प्रॉब्लम था ये 100% सॉल्व हो जाएगा। कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास ख़राब ब्लूटूथ हेडफोन आते हैं उसे रिपेयरिंग करना काफ़ी ईजी होता है गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, खाली वायर को 2 इंच कटिंग किया और उसे वापस रीसोल्डिंग कर दूँगा, और ये जो प्रॉब्लम हमारा 100% सॉल्व हो जाएगा। और गाइस इसको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप चाहे तो इसे खुद रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसे रिपेयरिंग करने के लिए लिया था, जो इसका दोनों तरफ का ख़राब था, तो मैंने इसे अच्छी तरीके से जो दोनों तरफ का लगा दिया है। अभी जो है गाइस यहाँ पे भी इसे अच्छी तरीके से टेप वगैरह मार के यहाँ से जो है इसे पीवीसी को अच्छी तरीके से फिटिंग कर लेंगे। और गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसके बारे में बताऊंगा बना के वापस से। तो यहाँ पे मैंने इसे टेप मार लेता हूँ, और इसे उसी तरीके से सेम आपको फिटिंग कर देना है। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं वायर को मैंने खींच लिया हूँ, अभी हल्का सा यहाँ पे फेमिक्विक का यूज करूँगा, क्योंकि गाइस फेमिक्विक से कह रहा था ये अच्छी तरीके से प्रॉपर अपनी जगह पर रहता, थोड़ा भी हिलेगा तो ये ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं हल्का सा खाली फेमिक्विक लगाऊँगा, और लगाने के बाद गाइस इसका पीछे का जो ढक्कन मैंने खोल के रखा है इसे भी अच्छी तरीके से लगा लेना, और इसके साइड पे चाहिए तो आप सोल्डिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन हो तो आप रिपेयरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस ये कंप्लीट हो चुका है,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह डेली आप लोग को एक नोटिफिकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो यहाँ पे ये ब्लूटूथ पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, अभी ये दोनों के दोनों चालू हो गया है। तो यहाँ पे गाइस मैंने एकदम इसे परफेक्ट अच्छी तरीके से बना दिए हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।